Now start some NCERT questions. First question is which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? kaun sa alkyl halide isme rapidly react karega SN2 mechanism se ये आपको एल्काइल हालाइड के pair दे रखे। अब इन इसमें से first में से आपको choose करना है कौन सा fast react करेगा? Second में से कौन सा fast react करेगा और third में से कौन सा fast react करेगा? See over here this is 1 degree alkyl halide because Br attached to the carbon is attached to the single carbon and here Br attached to the carbon from both side it is also attached to the carbon so it is 2 degree alkyl halide here Br attached to the carbon is attached to both side from the carbon so it is also 2 degree alkyl halide Br attached carbon is attached to the 3 carbon so it is 3 degree alkyl halide this is 1 degree and here also 1 degree alkyl halide अब मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि एस इन टू मैकेनिज्म क्या होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन को बैक साइड से अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ज़्यादा ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी स्टेबल होगी अब इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कम है बट इन दैट केस स्टेरिक हिंड्रेंस इज़ मोर ओके okay, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यदि कम है तो एस एन टू क्या होगी मोर रैपिडली होगी सो फर्स्ट फर्स्ट केस में इन दोनों में से एस एन टू किसमें रैपिड होगी दिस वन इन सेकेंड केस एस एन टू किसमें रैपिड होगी दिस वन बिकॉज इट हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू दैट वन नाउ इन दैट केस बोथ इज वन डिग्री देन हाउ कैन वी प्रोडिक्ट अब यहाँ पे देखो आप दोनों वन डिग्री है तो अब अपन कैसे बोल सकते हैं किस में एंड्रेंस कब है कम का, है तो यहाँ पे जो बी आर है वो एक जिस कार्बन से ब्रांच दिख रही है वो उसके क्लोज है बट हियर बी आर से जो कार्बन बी आर तो ठीक है यहाँ पे जो कार्बन की ब्रांच जा रही है वो दिस बी आर से जो है वो फार अपार्ट है सो इन दैट केस यहाँ पे बी आर को हिंड्रेंस कम होगा बट इन दैट केस बी आर फील मोर हिंड्रेंस ओके okay, तो इसमें फास्टर होगी और इसमें क्या होगी स्लो तो अब अपन आंसर यदि मेरे को देना है मैं किसी भी एक का आंसर बता रही हूँ लाइक दैट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड तो मैं थर्ड का आंसर आपको बता रही हूँ आंसर इज दैट सी मैंने फर्स्ट लिखा इज वन डिग्री एंड दिस वन ये जो सेकेंड है उसको मेंशन करा इज ऑल्सो वन डिग्री ओके बट इन केस सेकेंड केस जो सेकेंड है ये वाला इसमें बी आर जो है वो सी की क्या है ज़्यादा क्लोज है और क्लोज होने के कारण बी को हिंड्रेंस ज़्यादा फील होगा सो so अपन क्या बोल सकते हैं सी एस थ्री सी एच सी एस टू सी एस टू सी एस रिएक्ट रिएक्ट फास्टर ओके ये क्या क्या रिएक्ट ये जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा या रैपिडली रिएक्ट करेगा आ, और एज इट इज यदि आपको सेकेंड का आंसर देना है तो क्या बोलोगे पहले ये ये जो आपका अल्काइल हेलाइट है उसको मेंशन कर दोगे फिर उसके बाद बोलोगे इस टू डिग्री अल्काइल हेलाइट वेयर एज इसको मेंशन करोगे देन रिटर्न इस थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट वी नो दैट द स्टेरिक हिंड्रेंस इन टू डिग्री अल्काइल हेलाइट इज लेस देन थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट सो दिस रिएक्ट फास्ट इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट वन नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडर गो एस एन वन फास्टर अब यह हेलोजन का पेयर दे रखा है इसमें से एस एन वन फास्ट किस में होगी ये आपको बताना है इन द फर्स्ट पेयर दिस इज थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइट बिकॉज हेलोजन अटैच कार्बन इज अटैच टू द थ्री साइड फ्रॉम कार्बन हियर हेलोजन अटैच कार्बन इज अटैच टू ओनली टू कार्बन दिस इज द कार्बन एट दैट पोजिशन एंड हियर ऑल्सो कार्बन सो टू साइड अटेस्ट टू द कार्बन वन सिंगल कार्बन सो इट इज टू डिग्री अल्का हेलाइट ही आर ऑल्सो टू डिग्री अलकाइल हेलाइट यहाँ ये कार्बन इन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है अब ये जो ये वाला जो कार्बन है ये यह यहाँ पे एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा वन डिग्री अल्कालाइट अब एस एन वन केस में क्या होता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है देन टू डिग्री देन वन डिग्री तो अब अब, अब अपन यदि इन दोनों में से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ये वाला जो है वो फास्ट होगा एज़ कंपेयर टू दिस वन तो आंसर में अपन कैसे लिखेंगे ये थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट है वेल दिस वन इज़ टू डिग्री अल्काइल हेलाइट थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट फास्ट रिएक्ट करेगा टू डिग्री से क्यों क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है और कार्बोकेटाइन जो है वो थ्री डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा मतलब दिस वन रिएक्ट मोर फास्ट अब यहाँ पे एक मैं समरी रिकॉल कर देती हूँ एस टू में क्या होता है हिंड्रेंस होता है और हिंड्रेंस के कारण वन डिग्री को अपन प्रेफर करेंगे देन टू डिग्री को देन थ्री डिग्री को किसके मैं किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ ये फास्ट रिएक्शन की बेसिस पे यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टू एक में टू डिग्री दे रखा है एक में थ्री डिग्री दे रखा है और पूछा एस एन टू में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा तो एस एन टू के केस में टू डिग्री रिएक्ट करेगा क्योंकि क्योंकि टू डिग्री में स्टेडिक हिंड्रेंस कम होगा लेकिन एस एन वन केस में यही पूछा है कि एक टू डिग्री एक थ्री डिग्री है तो कौन फास्ट रिएक्ट करेगा सो इन दैट केस थ्री डिग्री रिएक्ट फास्ट बिकॉज थ्री डिग्री इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल एज इन द केस ऑफ एस एन वन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एंड थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इन्वॉल्व इन एस एन वन देर फॉर इन केस ऑफ एस एन वन थ्री द ऑर्डर ऑफ एल्काल हेलाइट इज थ्री डिग्री देन टू डिग्री देन वन डिग्री इसीलिए जो यहाँ पे था वो मैंने थ्री डिग्री को प्रेफर करा देन टू डिग्री हियर इन दैट केस वॉट वी हैव टू राइट दिस वन इज रिएक्ट फास्ट एज कंपेयर टू दैट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्पाउंड इन ईच ऑफ द फॉइंग पेयर विल रिएक्ट फास्ट इन एसन टू अब एसन टू में फास्ट कौन रिएक्ट करेगा ये पेयर दे रखा है अब यहाँ पे देखो ये तो क्लियरली सेकेंड वाला तो क्लियर है ये तो कौन सा है वन डिग्री और ये कौन सा है थ्री डिग्री क्योंकि ये जो कार्बन ये सी एल से जुड़ा कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो थ्री डिग्री ये सी एल से जुड़ा कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वन डिग्री अब कौन सा केस लेना है एस एन टू में एस एन टू में क्या लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है सी एच टी सी एल में तो सी एच टी सी एल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण ये फास्ट रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन तो सेकेंड का आंसर मैंने क्या लिखा है सी एच टी सी एल रिएक्ट फास्ट दैन दिस बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें

आई इज़ बेटर लिविंग ग्रुप देन बी आर आई जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किसके कंपेरिजन में बी आर के कम्पेरिजन में और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो ईजिली क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा क्यों अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होता है क्योंकि इसका साइज क्या होता है बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में ब्रोमीन के कंपैरिजन में तो अपन क्या बोलेंगे ये सीएश्री आई जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा सीएश्री बी आर के कंपैरिजन में एसेंटू रिएक्शन में बिकॉज आई जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप अच्छा क्यों होता है क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है बड़ा होता है और साइज यदि बड़ा है लिविंग ग्रुप अच्छा है तो जैसे ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा आई का बॉन्ड कार्बन से इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसका साइज क्या है बड़ा तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप में बताया था कि पहले आयोडीन होता है फिर ब्रोमीन होता है फिर क्लोरीन होता है और फाइनल लास्ट में होता है फ्लोरीन दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्टार्ट करी थी तब आपको बताया था ओके थैंक यू